Hey guys, welcome back to the vlog. तो पकौड़ा खा रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी आ गए हैं स्कूल से। आज ना स्कूल में हुआ क्या, पहले बैल बजती है बस की, देन गर्ल्स की, देन हमारी बॉयज की। हुआ क्या, मैं निकल गया स्पोर्ट्स और एक स्पोर्ट्स वालों की जो सबसे पहले निकल सकते हैं क्योंकि उनको खेलने जाना होता है। तो मेरा एक दोस्त है, मैं उनके साथ निकल गया, तो हुआ क्या, फिर नीचे हम लोग को मिल गए पीटी सर। अब वो देख रहे तो बहुत खराब मारते, तो मेरे जो स्पोर्ट्स वाले दोस्त थे उनको तो वो बोल सकते थे स्पोर्ट्स में, मैं था नहीं, मैं ऊपर से चल गया। फिर मेरे दोस्त मिले जो लोग प्रीफेक्ट है, मैं उनके साथ नाटक कर रहा था कि मैं प्रीफेक्ट हूँ। फिर उधर से निकले तो वो लोग भी ऊपर चल के अपने क्लास में, उनको भैया लोगों ने बोला कि अभी नहीं है प्रीफेक्ट ड्यूटी। और फिर दो और लड़के थे वो भी गलती से निकल गए थे, फिर मैं उनके साथ निकला। फिर मेरे लिए भीड़ है पूरी वहाँ से, और लोग थे मेरे क्लास के, वो लोग भी निकल गए थे बिना पूछे मैम से। हम लोग सब 10-15 लोग वेट कर रहे थे कि कब बेल बजे। तो अभी नहा के निकल गया, अच्छा आजकल मैं नहा ही ले रहा हूँ सीधा स्कूल से आके, और आज से 2 घंटा पढ़ना भी 6 बजे से। अब चलते हैं लीची खाते हैं थोड़ा, और इधर उधर देखते हैं घर में क्या हो रहा है। क्या कर रही हो, खाना में क्या है? माँ संडे को भी छूट जाएगा गिटार क्लास, हम नहीं जाएंगे। गिटार क्लास कौन छोड़ेगा? कैसे जाए, आज नहीं होता है। नहीं हाँ, स्वाति दीदी ने कल केक बेचा था, किसलिए भैया का बर्थडे। बढ़िया दिख रहा है, अच्छा है, खाएंगे खाना के बाद। क्या मस्ती लग रहा है भाई। ये 1 महीने से खाखड़ा पड़ा हुआ है, पता नहीं इसको कौन खाया हो, बचा नहीं तो मम्मी ने मुझे ही लाके दिया है बस। तो अभी खाना दे दिया मम्मी ने, और मम्मी वो ऐड देखिए, ऐड आता था ना टीवी में, घर का खाना होता है तो अभी भी होता है। अब स्वाति दीदी वाला केक खाते हैं, वो देखते हैं कैसा लगता है। और मुझे तो देख के ही अच्छा लग रहा था भाई, बहुत ज्यादा। और चॉकलेट केक है तो भाई अपने को तो पसंद आना ही है, रेड वेलवेट तो होता तो मंगाता भी नहीं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भैया बर्थडे में केक फाउंटेन वाला था कि बस वो नॉर्मल केक जो होता है? किसलिए भैया का बर्थडे में अच्छा केक था। अरे कैसा वाला था, नहीं जो कुछ माना बना रहता उसमें की नॉर्मल। तो अभी एक अच्छी और बैड न्यूज का मिक्स हो चुका है। वो बात ऐसी है कि 29 तारीख को सत्यनारायण कथा है जिस पापा के घर में, उसमें हम लोग को जाना है। और अलग बात यह है कि संडे को क्लास भी है, तो 6 बजे हम लोग को सुबह निकलना है, और 6 बजे क्लास कहीं भी होती तो है नहीं रांची में। मेरा पूरा 1 महीना क्लास छूट चुका है, और एक क्लास में करता हूँ कम से कम 1 महीना में 1 दिन जा पाता। मैंने अभी सर से पूछा कि कल आ सकते हैं क्या, तो सर ने बोला नहीं बस वेडनेसडे को होता है और संडे को, तो कल था। तो मैं अभी अपना वो खांसी वाला व्लॉग एडिट कर रहा था, मतलब जो दिन हम लोग वाटर पार्क गए थे मुझे भयंकर खांसी हो गई थी भाई, मुझे तो सोच के डर लग रही है, ठीक नहीं होती तो मैं कैसे स्कूल में काम वाम करता। बढ़िया एक दिन में ठीक हो गई, और एक दिन में खांसी बहुत भयंकर हुई थी। और व्लॉग्स भी अब जल्दी जल्दी डल रहे थे, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्लॉग्स जल्दी डल रहे हैं तो डीले नहीं हो रहे। और हाँ, आज हमने बहुत दिन बाद फ्लैट पे भी एक वीडियो डाला, तो ये एक और अचीवमेंट है। और हमने थोड़ा इंस्टा पे भी डालना चालू कर दिया है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। हमने अपना नाम चेंज कर दिया कि वो मुझे थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज हमारा नाम है सिंपल यश 21। हाँ चलते हैं पढ़ने, अभी हो रहा है 5:05 से 9 तक पढ़ेंगे, 9 के बाद एडिट करेंगे। सही चल रहा अपना, 4 घंटा पढ़ रहे हैं ना, एडिट कर रहे हैं अपनी। अम्मा क्या बारिश हो रहा है, अभी मैं थोड़ा पढ़ने चालू ही किया, लेकिन मुझे ना पढ़ने में ऐसा अच्छा लगता है जैसे मुझे कुछ पढ़ रहा हूँ ना, और मुझे वो समझ नहीं आया ना, तो मतलब ऐसा पढ़ने में मज़ा नहीं आता, स्पेशली जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद है। तो मैं अभी पढ़ रहा था द रिवोल्ट ऑफ 1857, पर इसमें दिया नहीं हुआ है कि इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, तो इसका मतलब यह होता है, ये इसको भी बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, को पता ही होगा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थी। एंड ये स्टार्ट हुआ था मेरठ में 1857 10th मे को, और वो म्यूटिनी मतलब एक ग्रुप जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपोज करने लगता है जिससे वो पहले लॉयल थे, ऑफ सेपॉयस। सेपॉयस मतलब इन्फेंट्री मैन को बोलते हैं, जो मुगल्स के एम्पायर में जो इन्फेंट्री मैन होते थे ना उनको बोलते थे सेपॉयस। भाई पढ़ते पढ़ते ये सब मिल गया तो क्या ही बात है। तो भाई पढ़ाई तो कुछ
दो चीजें हो गई, जियोग्राफी और हिस्ट्री हो गए। दो घंटे में, तीन घंटे की जरूरत पड़ी नहीं, अभी सिविक्स पढ़ना है तो सिविक्स और साइंस का कल कर लेंगे पूरा कवर। और अभी तो कुछ दिन है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टायर क्लास में सोच रहा हूँ आपसे वेडनेसडे को ही चल जाऊँ, लेकिन छोड़ेगा कौन सा नहीं। और अभी फिर कहीं कहीं जाना होगा तो वो तब भी छूटेगा। भैया भूल भूलैया देखने चलते हैं। माँ दीदी को मत बुलाना, हम ही लोग चल जाएंगे दीदी के पास। हाँ तो स्वाति दीदी से बात करो। नहीं नहीं नहीं, हम और तुम चल जाएंगे दीदी के पास। अच्छा मैम, लोग अभी जहाँ जा गए हैं, तुमको सबसे बढ़िया जगह कौन सा लगा? मैं सूर्य ठंडा ठंडा ठीक था जगह। गोवा? ना, हमको तो बैंगलोर बहुत पसंद आया था। बैंगलोर अच्छा लगा। हाँ रांची है जैसा वेदर है वहाँ एकदम। आज हम पढ़े हिस्ट्री और हिस्ट्री और जियोग्राफी। दिन कौन चीज है? 30 तारीख को मैथ्स। तो सर को 2-3 दिन लगातार कहीं नहीं बुला लेना तुमको? सर बुलाएंगे तब ना। देखो कैसे देख रहा है। मोनू दीदी का भी तो बेटा आके गेम खेल रहा था। वैसे ही खेल रहा था तो क्या बोल रहा है? अब हमको यहाँ से जाना नहीं है। उनका बर्थडे कब है? पिंकी दीदी 30 का। कैसे कैसे करो 29 को सीमा में, तो उसमें करना क्या है? तुम अपना मैथ का कॉपी किताब लेके चलना। अरे सब तैयार है मेरा, फिर भी ले चलना। सुबह उठ के रिविजन कर लेंगे। बराबर ऐसे भी 30 को हाफ डे मतलब एग्जाम होगा, उसके बाद 2 पीरियड होगा, फिर छुट्टी। ठीक है वो नहीं बोल रहा तो ले चलना। वहाँ नहीं पढ़ाई होगा माँ, ऊपर में तो जगह रहेगा। चलो आइसक्रीम का क्या थे? चलो ना, तुम आजकल घूमने भी नहीं चलती हो, पहले थोड़ा जाती भी थी। अभी तो तुम घूम के आए हो जी। अरे तुम मेरे साथ नहीं चलती हो। 4 दिन हुआ मेरे साथ नहीं चलती हो। पापा निकलेंगे अभी तब ना। आखी मार, पिक्चर देखने चलो ना माँ। माँ और घुस के देख रहे थे। भैया अकेला अकेला घूमने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो बाबू को पकड़ा था। अभी दे दिया पापा को, हमको नहीं ले जा रहा है। देखना पापा पास नहीं करेगा, जाएगा आप जाओ ना, ले जाएगा जाओ। नहीं ले जा रहा है। चलो ना अमर तुम घूमने चलते हैं। अबे कहाँ जाएंगे बेटा? मेन रोड। पापा को बोलो है? पापा को बोलो जाओ। कुछ आम कहाँ से लाई माँ? मार्केट से बेटा। मिलने और यार अब स्कूटी वूटी सीखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि कहीं घूमने वूमने भी जाएंगे, स्कूटी तो चाहिए और स्कूटी है भी है, तो सीखने का बात है। बस मेरा हाइट तो हो ही है ठीक ठाक, देखते कम मौका मिलता है सीखने का, कि अब स्कूटी तो नेसेसरी है, कम से कम स्कूटी तो आना चाहिए। यार आज ना मैं तुम लोग को अपना लाइफ का पहला गिटार दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने पहली बार मतलब ऐसे हाथ में धर के 2-3 सारे गाँव में ये सब बजाया था। कहाँ है पहले देखना होगा? उधर तो नहीं है, मोस्टली तो वहीं दिखता था मुझे, आज नहीं दिख रहा है। मम्मी सुनो ना, हम बोल रहे हैं कि मेरा वो पुराना वाला गिटार कहाँ है? पुराना गिटार तो अभी नहीं दे सकते। लेकिन कहाँ है बस बताओ ना। कोठी में रख दिया। यार मम्मी ने तो दे दिया यार उसको। आ गए टफरी मार के। कल मम्मी की दोस्त का बर्थडे है, एनिवर्सरी है। तुम्हें खाना ठंडा हो सर, क्या चीज प्लान किया तुम लोग? तो बोल रही थी 12 बजे का क्या किया? 12 बजे तो नहीं, 12 बजे जाने के लिए लाने के लिए थे। क्या? अरे उसके लिए गिफ्ट लाने के लिए। क्या लेने का सोचे हो? कल जाएंगे तो देखते। तुमको क्या लेने का मन है? अब वहाँ पता नहीं, देखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, उसे तो कुछ ले लेंगे। बार बार खा लेता है आदमी। हमको भी दे देती हो। अकेले में शर्म आता है। दीदी लोग भी वैसे ही करती थी, कुछ ठंडा लेके हम तो पी नहीं सकते, खांसी है तो हमको 2 सिप पिला के पूरा पी जाती थी। उठाओ मत, उठाओ मत, चलने दो। चलो चलो आजा चलो। छोड़ो छोड़ने दो छोड़ने दो छोड़ने दो छोड़ने दो। देखो पीछे खेलते थे, सब खेलते रहे। हाँ ठीक है, आज के वाला प्लेट मैं रखती हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है।